सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाइए वेब डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में या फिर आप कोई चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें कैसे आप इमोजी आइकन्स यूज कर सकते हो। सो उसके लिए गाइस आपको इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बनी बनाई एक लाइब्रेरी है उसका यूज़ करके, CSS का यूज़ करके आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जैसा मैं अभी करने वाला हूँ, बस आप वैसा कीजिएगा, आप ये फंक्शनैलिटी बड़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि गाइस एक नॉर्मल टेक्स्ट एरिया है और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया, इस तरीके से स्माइली हो गया एंड बहुत सारे यहाँ पे इमोजी हैं, जैसे आप व्हाट्सएप में देखते हो वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे, सेम ही ऑलमोस्ट। अगर आपको ये चीज़ अचीव करनी हो तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए, और फिर आप जो टेक्स्ट लिखना चाहें लिखिए, वट एवर जो भी आप करना चाहें, और इसको आप यूज़ कर सकते हो और डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे ये है, जो मैं JS में इंक्लूड करवाऊंगा, जो CSS इंक्लूड करवाऊंगा, वो इस पेज पे इंक्लूड होनी चाहिए। अगर वो इंक्लूड नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। सो सिमिलरली अगर आप डेटाबेस से रिट्रीव भी करवाओगे वो स्पेशल सिंबल्स, तो अब वो दिखेंगे कैसे, उस पेज पे जहाँ भी आप रिट्रीव करवा रहे हो वहाँ पे वो JS फाइल और CSS दोनों होनी चाहिए। सो जैसा आप देख रहे हो गाइस, ये देखिए, तो ये कैसे अचीव करें, तो इसके लिए गाइस कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, मैं बताता हूँ आपको। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक कोड अपना हटा देता हूँ ताकि आपको एकदम फ्रेश समझ आए कि हम जो करने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं ये स्टाइल टैग हटा देता हूँ और जो मैंने JS वगैरह इंक्लूड की है इसके लिए मैं उसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हो मैंने सारा कोड हटा दिया है, अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा कीजिएगा और आप वो फंक्शनलिटी बड़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बॉडी में एक डिव बना लेते हैं, क्लास कंटेनर, और इसमें बना लेते हैं एक टेक्स्ट एरिया, और इसमें मैं एक आईडी दे देता हूँ बिकॉज मुझे यूज़ करनी होगी वो आईडी, माय टेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्टाइल दे देता हूँ जस्ट फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेनर विड्थ दे देते हैं यहाँ पे हम 600 पिक्सल और मार्जिन 30 पिक्सल और ऑटो, ठीक है। इतना करने के बाद देखें जरा एक बार, सो ये हो गया है, प्रॉपर बन चुका है कुछ पार्ट, और ऊपर से देखिए 30 पिक्सल है, बाकी लेफ्ट और राइट से ऑटो है। तो इतना पार्ट हमने देखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल अब जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा गाइस, ये URL मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको क्या करना है गाइस, इमोजी एरिया min.css और JS, ये देखिए, आप चाहे ये इंक्लूड करा लीजिए चाहे आप ये दोनों इंक्लूड करवा लीजिए, आपके ऊपर है। डिफरेंस क्या होता है, जब मिल लगा होता है CSS में, मतलब मिनिफाइड CSS है, मतलब उसमें कमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। अगर आप ये वाली CSS इंक्लूड करवाएंगे तो उसमें कमेंट्स वगैरह सब होंगे, बस यही डिफरेंस होता है मिनिफाइड में और नॉन मिनिफाइड में। सो ये दोनों आपको इंक्लूड करवानी है अपने प्रोजेक्ट में, और jQuery की लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करवानी है, जो बाय डिफॉल्ट अगर आप jQuery आप यूज़ करते हो अपने वेबसाइट पे तो आपको jQuery आपको इंक्लूड करवानी होती है। इतना पार्ट करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्या दिखेगा। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक jQuery min.js इंक्लूड करवा दी है, और साथ ही साथ वो दोनों चीज़ों मैं आपको बता रहा था, मिनिफाइड CSS और JS, मैंने दोनों इंक्लूड करवा ली है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अब सब कुछ हो चुका है, बट अभी अगर मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे तो क्या मुझे कुछ दिखेगा, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना होगा गाइस, आपको सिंपल यहाँ पे लिखिए स्क्रिप्ट, आप कॉल करेंगे एक फंक्शन हम, और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ डॉलर, अब ये मेरे पास जो है आईडी है तो हैश यूज़ करेंगे और कॉपी कर लेते हैं आईडी को, और यहाँ मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा इमोजी वन एरिया और दैट्स इट। इतना पार्ट करेंगे,
और यहाँ मैं देता हूँ पिकर पोजीशन, ध्यान रखिए थोड़ा केस सेंसिटिव है ये, पी यहाँ पे कैपिटल होगा और ये पिकर पोजीशन राइट कर देते हैं अभी, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है और देखते हैं ब्राउज़र पे। सो गाइस देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए राइट पे आ रहा है और सारे देखिए स्पेशल सिंबल्स जो हैं इमोजी सारे आ चुके हैं और आप जो टेक्स्ट लिखना चाहें लिखिए और डेटाबेस में स्टोर करवाइए और चैट कीजिए। तो इस तरीके से गाइज इस फंक्शनलिटी को आप अचीव कर सकते हो बड़ी आसानी से और आपको इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार माइंड में क्वेश्चन आते हैं यार ये कैसे बनता होगा कैसे होगा, वो बात सारी ठीक है, बट कोई चीज़ अब जब ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको डायरेक्टली यूज़ कीजिए और आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, ना कि ये सोच के कि यार इसको मैं कोड कैसे करूं। देखिए जहां कोडिंग करनी है वहां तो करनी है, बट जहां आप अपना समय बचा सकते हैं वो तो आप कर सकते हैं ना। सो ये राइट पे आ रहा है, इसको अगर बॉटम में कर रहा हूं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आप बस बॉटम लिख दीजिए और उसके बाद देखिए आप मैजिक। देखिए बॉटम पे आ गया। सो इंटरेस्टिंग गाइस, ऐसी अगर आपको और करना हो तो यहाँ सिंपल आप लिखिए इनपुट टाइप टेक्स, मतलब मैं और आपको बता रहा हूँ आप इनपुट फील्ड पे भी कर सकते हो ये काम, आईडी और अजय अपना नाम ही दे देता हूँ मैं और सिमिलरली इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और नथिंग बस यहाँ अजय लिख दीजिए, हो गया। करें रिफ्रेश एक बार। सो देखिए गाइस यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। सो इंटरेस्टिंग गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आई होप गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।